नमस्कार करना जो है वो हमारा कर्तव्य होता है जब हम बात शुरू करते हैं, क्यों अमित जी? बिल्कुल, सभी को नमस्कार। और ये हमें अपनी अपनी अनुभूति भी कराता है कि हमें नमन करते रहना चाहिए, इस पूरी प्रकृति को नमन करते रहना चाहिए, इस विश्व को और इस पूरी सृष्टि को नमन। आपको भी नमन, आपको पुनः नमन, आपको भी पुनः नमन। तो नमन जो है वो हमें जोड़ता है एक तरह से, और एक सुंदरता के साथ जोड़ता है, श्रद्धा के साथ जोड़ता है, और ये भाव भी उजागर होता है कि हम सम्मान के साथ जुड़ रहे हैं। तो सम्मान को लेकर मैं अमित जी के पास बैठा, तो मेरे लिए नहीं, मेरे मन में इनके जो सम्मान है वो बहुआयामी है। एक तो ये देखो, ताजी ताजी इस किताब के साथ भी बात करेंगे थोड़ा, ये इनका काव्य संकलन है शब्द कहे से अधिक, और इसके पीछे जो बातें लिखी हुई हैं उसमें से एक बात ये है कि आपने JNU से आर्ट एंड एस्थेटिक्स में MA किया, फिर आप इंडिपेंडेंटली पेंटिंग करते रहे हैं, बहुत सारे देशों में आप गए हैं, 13 एकल और 125 सामूहिक चित्र प्रदर्शनियां आपकी हुई हैं। और मैं अमित जी आपकी अनुमति लेकर ना कुछ देशों के नाम बोल के प्रसन्न हो जाऊँ, तो आप दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, टर्की, ग्रीस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली, दुबई और शारजाह में भी इनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी है, और बहुत सारी बातों में से एक किताब इनकी जो पहले कविता की थी वो भी मैंने देखने पढ़ने का आनंद प्राप्त किया है, वो था होने ना होने से परे। तो अभी तो हो गए हम दोनों साथ साथ, इसलिए फिर करते हैं शुरू बात। शब्द से ही बात करें तो ये जो आपका संकलन है इसमें से आपकी कोई प्रिय कविता भी सुनाए, और इसके बारे में थोड़ा जो एक कहानी होगी ना इस कविता संकलन की वो। जी, तो एक छोटी सी कविता मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, पार अपार। बहते हैं रंग, दिशाएं भी बहती हैं, बहते हैं रंग, दिशाएं भी बहती हैं, स्मृतियां बूंद बूंद उन्हीं सी, किन्हीं अल्प विरामों के नितांत पार अपार। क्या बात, अब ना मैं भी इसको वापस पढ़ूंगा कि आपस कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी, ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बहुत ध्यान मांगती है, हम लोग सामान्यतः ध्यान की अवस्था में सुनने के लिए होते नहीं। इस पर भी मैं अमित जी से पूछूंगा, पर मैं इसको आपकी उपस्थिति आपके अनुभव से पढ़ देता हूँ। बहते हैं रंग, दिशाएं भी बहती हैं, स्मृतियां बूंद बूंद उन्हीं सी, किन्हीं अल्प विरामों के नितांत पार अपार। तो अभी ये जो इस छोटी सी रचना में भी ना एक बिंब बनता है, वो बिंब ऐसा है कि उसमें गति भी है, एक स्थिरता भी है, एक चैतन्य अवस्था भी है, तो एक अर्ध चैतन्य अवस्था भी है, ऐसे मनोभाव पाठक के या श्रोता के मन में जागते हैं। तो अब आपकी रचना प्रक्रिया पर चलें अगर थोड़ा सा, कैसे क्या आप उसके बारे में कह सकते हैं? जी अशोक जी, जो रचना प्रक्रिया का जहाँ तक संबंध है या जहाँ तक रचना प्रक्रिया की बात है, तो दरअसल सिंस आई एम अ पेंटर, मैं तो एक चित्रकार हूँ, और चित्रकार भी ऐसा है कि जो अमूर्त को रचता है, जहाँ पे आपको जो दृश्य है वो दृश्य से नज़र नहीं आते लेकिन वो होते हैं। तो हम एक ऐसे कल्पना लोक को रचने की, गढ़ने की कोशिश करते हैं, जुम्बिश करते हैं, जहाँ पर मौन की मात्राएं भी कुछ कहें, वेयर साइलेंस डू स्पीक। तो जैसे यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं तो रमण महर्षि की उपस्थिति है यहाँ पे, तो रमण मौन की भाषा में बात करते थे। तो क्या रमण बात करते थे या नहीं करते थे, तो उनका संवाद तो बहुत बड़ा था, बहुत गहरा था, श्री अरविंदो ने उस किस्म का संवाद किया और तमाम वो हमारे बीच में संवाद रचा बसा है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, पेंटिंग का जो थॉट प्रोसेस है, एब्स्ट्रैक्शन का जो थॉट प्रोसेस है, वही मुझे लगता है कि वो शब्दों के अंदर है। पोएट्री में भी उसी किस्म के मेटाफर्स को रचने की, गढ़ने की कोशिश होती है। तो बेसिकली हमें मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए। हमारे उस्तादों ने कहा कि भाई मैन्युफैक्चर नहीं करना, आपको चीजों को या आपको किसी विजुअल को, किसी एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट करना है। तो क्या मैनिफेस्टेशन कुछ उसके मायने नहीं है क्या? नटराज की जो उपस्थिति है तो वो एक शिव का एक अलग किस्म का मैनिफेस्टेशन है। हम सब उसको एक तांडव मानते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन का फॉर्म है, लेकिन उसमें 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 सृजन भी है, उसमें विसर्जन भी है, उसमें एक एक आपका संवर्धन भी है।
वहां पे आनंद भी है, आनंद तांडव है, ललित तांडव है, संध्या तांडव है, ऊर्ध्व तांडव है, उमा तांडव है, कृष्ण तांडव है। तो एक ही प्रतीक के कई कई हम कहेंगे कि कई कई उसके फॉर्म्स होते हैं, और ये सिंस ये जो मीडियम है शब्द कहे से अधिक, या जो कविता अभी हमने शेयर की उसका जो माध्यम है वो शब्दों का है, तो उसमें हम उस एब्स्ट्रैक्शन को कैसे रच पाए उसकी एक छोटी सी कोशिश। तो ये एब्स्ट्रैक्शन की बात करिए और कलात्मक संवेदना के बारे में आपसे कुछ समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग इस युग में आए जहाँ आप जैसे मैं शिक्षक भी नहीं कहूँगा, कलाकार कहूँ या एक कॉम्बिनेशन कह दूँ मैं, एक आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी जो आप एस्थेटिक्स भी पढ़ाते हैं कुछ कॉलेजेस में, इस प्रकार के विषयों के साथ जुड़ते हुए जो विद्यार्थियों के साथ आपका संवाद होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अंतर लगता होगा परसेप्शन के लेवल पर। जो विद्यार्थी हैं कोई किसी बात को जल्दी पकड़ लेता है, कोई देर से पकड़ लेता है। अगर हम मोटा मोटी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी की परिभाषा और इसके महत्व के बारे में आपसे थोड़ा बताने का निवेदन करें। अशोक जी, जैसा आपने कहा स्टूडेंट्स के साथ में जब संवाद होता है, तो मैं खुद एक बहुत ही बुरा विद्यार्थी रहा, मैं आपको बताऊं, और मुझे इस बात में बड़ा आनंद भी आता है कि भाई आप जो है हमेशा बैक बेंचर किस्म के स्टूडेंट रहे, और जी जी तो एक एक बैक बेंचर किस्म के स्टूडेंट रहे। जब जब सब बच्चे जो थे हमारी कक्षा के, हमारी क्लास के, बोर्ड की तरफ देखते थे, तो मैं कहीं और देख रहा होता था, तो उसके लिए मुझे बहुत सजाएं भी मिलती थी और एक आनंद आता था, एक अपनी लय में लयलीन था। तो यही अभी पिछले दिनों मैं कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हमारी दिल्ली की एक प्रोफेसर हैं, हमारी बड़ी बहन है डॉक्टर अलका त्यागी, उनसे शेयर कर रहा था कि देखो कैसे ही जर्नी होती है, किस किस्म से जिन किताबों से भागते थे, जिन शब्दों से हमारी जो कहेंगे ना सबसे बड़ी दुश्मनी थी, जिससे सबसे बड़ी शत्रुता थी, आज उनकी संगति के बिना मन जो है वो एक असंगत लय में चला जाता है, या आप एक मतलब निशब्द हो जाते हैं। तो लेकिन तो अलका जी ने ये कहा कि देखो क्या होता है, कभी कभी जमीन तैयार होती है, और एक जब आपकी जमीन तैयार होती है तो कुछ भी आप उसमें डालेंगे तो वो फूटता है। तो ऐसा नहीं होता कि हमारी कभी कभी किसी की जल्दी जमीन तैयार होती है, कोई उसके बाद में होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली आप उसके अंदर लगे रहें, आप को चेतना को बढ़ाना है। हमारी जो शिक्षा है वो केवल एक शिक्षा की परीक्षा, शिक्षा परीक्षा केंद्रित हो गई, तो वो नहीं हो के एक सतत लर्निंग होना चाहिए। तो कलाएं जो है वो सतत लर्निंग है, और स्मृतियों का खेल है, इंट्यूशंस है, वहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच है, इंक्लूसिवनेस है। आर्ट हैज मेटा लैंग्वेज, वो मेटा लैंग्वेज है, वो एक इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड यूनिवर्स है, वो एक आपको कनेक्ट करता है यूनिवर्स के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि पोएट्री में म्यूजिक है, म्यूजिक में पेंटिंग है, पेंटिंग में सिनेमा एग्जिस्ट करता है, सिनेमा थिएटर के बिना अधूरा है, थिएटर जो है वो कोई दूसरे जो अलाइड फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स हैं उसके बिना वो संपूर्ण नहीं होता। तो एक होलिस्टिक वे ऑफ थॉट, होलिस्टिक वे ऑफ परसेप्शन, उसको हमको सीखना होगा। हमको बच्चों को जो है अच्छा गणित पढ़ाने के लिए हमको उनको समंदर के पास में लेके जाना होगा, हमको उनको पर्वतों के साथ में उनका जो हमको साक्षात्कार करवाना होगा, नदियों के साथ में उनको छूने देना होगा। ये सब चीजें करके एक बेटर, अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं साहब, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग पैदा करना चाहते हैं, तो वो ये कलाएं उसको संभव करती है। और सेंसिबिलिटी, कुछ हमारे भीतर का कंपैशन, करुणा जगे, यही कलाओं का उद्देश्य। तो बहुत ही सुंदर बताया आपने, और एक चाय का प्याला अगर आप चाहें तो साथ आप रख सकते हैं। और बात जहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच की तरफ आती है जीवन की, तो उसका अर्थ ये हुआ कि एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। हम जैसे एक वो बना देते हैं कि यहाँ तक ये है, इसके बाद ये है, तो जब अमित कहते हैं कि गणित तो है ही है पर उसके साथ बच्चों को पर्वतों के पास ले जाओ, नदियों के पास ले जाओ, तो ये सोचने में भी हमको एक अजीब सा लगता है, क्योंकि हम में से बहुत
नहीं के बराबर लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि गणित के अध्यापक कोई प्रकृति की या कला की बात कर रहे हो। हालांकि ऑफ लेट अमित जी मैं जब संगीतकारों के साथ बात कर रहा होता हूँ तो वो कहते हैं ये जो शास्त्रीय संगीत है उसमें गणितीय जो गणना है वो सब लेकर चलते हैं। मैं एकदम अलग सवाल की तरफ जाके फिर वापस हमारी मूल धारा की तरफ आता हूँ। जब आपकी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी डेवलप्ड हो जाती है तो उसके साथ साथ जीने की कला ऐसे जुड़ जाती है कि कुछ अनपेक्षित हो जाए तो आप उसमें भी एक सुंदरता सहज से भाव से देख पाओ, ऐसी आपकी धीरे धीरे पात्रता विकसित हो जाती है। किसी से गलती हो जाए तो उसको आप क्षमा करने की चैतन्य अवस्था के समीप होते ही होते हो। अगर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी नहीं है तो वो कम होगी। ऐसा कहने के बाद अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कलाकार हो के बीच में बहुत रहे, कलाकार स्वभाव से बहुत क्रोधी भी होते हैं क्या? अब ये तो जो है अब ये तो हमारे ससुराल वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वे क्रोधी हैं कि नहीं है, है ना, क्योंकि जिस तरह से हमारी शादी प्लान की गई थी तो आई वॉज अगेंस्ट दैट और फिर हमने अपने तरीके से उन चीज़ों को मुकम्मल किया। तो ऐसा नहीं है, क्रोध और ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हर इंसान जो है कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा कि भाई जो इंसान है वो गलतियों का एक पुतला है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी कंप्लीट नहीं होता। और एज एन आर्टिस्ट मुझे ये लगता है कि जो इनकम्प्लीटनेस है जीवन में, जो अपूर्णता है, वो इस संसार की ब्यूटी है। आप मुझसे अलग हैं, मैं आपसे अलग हूँ, हम दोनों किसी तीसरे से अलग हैं, देखने वालों से अलग हैं। तो इस डाइवर्सिटी को, इस अलग होने के क्रम को हम सेलिब्रेट करते हैं और वही कला है। आप सहिष्णु बनते हैं, आप ठीक है जी कोई बात नहीं, चलो इसको ऐसा, आप हमेशा एक कॉग्निटिव प्रोसेस में यकीन करने वाले व्यक्ति बनते हैं, आप प्रोसेस में यकीन करने वाले व्यक्ति बनते हैं। प्रोसेस दैट मीन्स कि प्रक्रिया सम्मत जीवन। हम जो भी करेंगे जी हम प्रक्रिया में हैं, हमें नहीं पता कि ये इंटरव्यू कैसा होगा, ये कहाँ जाएगा, ये किस तरह से इसको रिसीव किया जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में जब आप जीवन को जीते हैं, प्रक्रिया में जब आप रहते हैं, प्रक्रिया में जब आप हम कहें कि रमते हैं, तब आप वहीं पे उसका आनंद ले लेते हैं। तो मैं आनंद की बात आपको बताऊं तो हुआ ये, मैं गलती के बारे में सब पूछा क्योंकि ओपनिंग जब हमने करी बातचीत की तो माइक ऑफ रह गया था, उन्होंने बाद में ऑन किया तो मुझे पता नहीं ओपनिंग रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है। तो मगर हम बात कर रहे थे शब्द कैसे अधिक की, तो मैं थोड़ा दोहरा लेता हूँ। आपको ये नया संकलन है और जयपुर में हम लोग बात कर रहे हैं अमित जी के साथ में, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स विषय में एमए कर चुके हैं और इंडिपेंडेंट पेंटर के रूप में इनकी ख्याति है। भारत में और भारत से बाहर कई शहरों में 13 आपके सोलो एग्जीबिशन रही हैं, 125 सामूहिक चित्र प्रदर्शनियों में आप रहे हैं। और मुझे ऐसे कहना है, बहुत पहले तो ऐसा लगता था, अभूतपूर्व लगता था, मैं जब भारत में रहता, आजकल आप अगर जानते हैं तो मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ पिछले लगभग 25 वर्षों से, पर मुझे ऐसा लगता था भारत से बाहर जाना कितनी बड़ी बात होती होगी, उन दिनों में बहुत अधिक लगता था। अब ऐसा नहीं है पर फिर भी बात बड़ी तो होती है। भारतीय कलाकार दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, तुर्की, ग्रीस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली, दुबई और शारजा में भी अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन करें। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था, ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी अमित जी हैं, तो शब्दों के इनका प्रेम काव्य रूप में होने से, होने न होने से परे में, फिर शब्द शब्द विसर्जन कविता, और इनको ये जो बात है हमारे लिए गर्व किया अमित जी बहुत की, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार से भी आप सम्मानित हुए थे। तो और भी बातें चलती रहेंगी पर सूचनाएं अपना एक महत्व रखती हैं, लेकिन सूचना से परे एक होता है जो सूचना से एक तरह का प्रारूप बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको लेकर हम वहाँ बहते हैं संवाद के साथ में, जहाँ कहने वाला भी नहीं होता है, सुनने वाले भी नहीं होते हैं। तो लेकिन ये कविता कैसे आती है आपके पास में, रंग लेकर आती है या रंगों से अलग होकर आती है? देखिए दोनों यहाँ पे तो साथ साथ ही चलती हैं। असल तत्व ये है जी कि जब रंग खत्म हो जाते हैं तो शब्दों का दामन थामता हूँ, और जब शब्दों से उकता जाता हूँ तो जब शब्दों की एक हैवीनेस फील होती है तब आप रंगों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हम कह नहीं सकते कि कौन पहले आता है। तो एक बार क्या हुआ, काफी पुरानी बात है कि कहीं लिखा था कि रंग धोखा देते हैं, तो ये एक मेरी प्रिय भी कविता बन गई कि गलत कहा किसी ने कि
कि रंग धोखा देते हैं। शब्द पहले या रंग क्या कहते हैं? क्या चीजें रंग बदलती हैं, इंसान रंग बदलता है, लेकिन रंग अपना रंग कभी नहीं बदलते प्यारे। क्या बात है, क्या बात? शब्दों की जुबान तो तुम्हारी है कल्पित, रंगों की अपनी भाषा, अपना व्याकरण होता है। रंग दिमागी चतुराई से नहीं पढ़े जाते, रंग ज्ञान की छलनी से नहीं छाने जाते, उन्हें तो बस डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट क्या है जी? की अनुभूति की, तो ये अनुभूति का विषय ज्यादा है। इंस्टेड ऑफ कि हम उसको अनुमोदित करें या हम उसको बताएं, तो ये एक एक्सपीरियंशियल है। तो हम बार बार आर्ट में यही सिखाते हैं कि भाई सबसे बड़ा क्या है, तो वो कि सबलाइन। तो सबलाइन को हम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बताना कि भाई डिफाइन करना कि आप ये रस, तो हम रस की बात करते हैं, एस्थेटिक्स में रस आते हैं, नाट्यशास्त्र आपको रस देता है, भरत मुनि रस की बात करते हैं। तो अब ये रस कोई गन्ने का रस नहीं है, या ये रस कोई आम का रस नहीं है, ये रस वो है जो अनुभूति की जाती है। कि अनुभूति की बात करें, अमित के पास बैठते हैं तो आपको पता लगता है कि ये मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से भी संपन्न होने के नाते कई वो ग्रंथ भी पढ़े हुए हैं जो उपनिषद या इस प्रकार की दिशा के साथ जुड़े हैं। तो इन्होंने पाश्चात्य विद्वानों को भी पढ़ा है, और आप कई सुंदर प्राकृतिक स्थानों पर जाते रहे हैं, भारत में भी, भारत से बाहर भी। तो आपकी पुस्तकों में कहीं यायावर शब्द या मैंने शायद पढ़ा था, हाँ, स्वभाव से यायावर अमित, बचपन से योग, अध्यात्म और दर्शन जैसे विषय में गहरी रुचि रही है, और बहुत सारे साधु संत और उनके सबके साथ आपका मिलना हुआ है। ये जो घुमक्कड़ी कह देते हैं उसको, या हम कहते हैं कि एक स्थान के साथ ही बंधे रहने से बचना, उसको आप मनुष्य के विकास यात्रा में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, ये तो निश्चित तौर पे जो घूमना है वो सबसे बड़ा सीखना है। इसके कई कॉन्टेक्स्ट हैं। अगर मेरे पिताजी से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे जी जो फिरेगा वो चरेगा, तो वो उनके लिए जो घूमना है वो जीविका उपार्जन से संबंध रखता है, तो वो दुनिया भर में घूमे फिरे, उन्होंने अपनी अनुभूति करी। हमें ये घूमना लगता है कि कम से कम ये जो ट्रेवल है, ये जर्नी है। आप नहीं घूम के भी, हम इस छोटे से कमरे में बैठे हैं लेकिन हम ट्रेवल में हैं। आप चाहे न्यूयॉर्क में हैं, चाहे आप, मैं कहूँ कि आप नरेना में हैं, आप ट्रेवलिंग मोड में हैं। ये पृथ्वी घूम रही है, आपकी गैलेक्सी घूम रही है, आपका ये पूरा सौर मंडल लगातार घूम रहा है। तो ये ट्रेवल को जो है, इसको हमको समझना पड़ेगा। जर्नी, हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, और ट्रेवल में आप बहुत चीज़ें सीखते हैं जी। ट्रेवल में आप सहिष्णु होना सीखते हैं, ट्रेवल में आपको तकलीफें भी होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और एक हम कहें कि दूसरी सत्ता को आप स्वीकार करते हैं। इंडिया ने बहुत अलग तरीके से इस ट्रेवल को लिया। अभी मैं जब बुद्धिस्ट आर्ट को पढ़ाता हूँ, किसी के साथ मैं शेयर करता हूँ, देखिए बुद्धिस्ट आर्ट या पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, तो जब बुद्धिज्म को हम देखते हैं तो वो कैसे ट्रेवल करता है। इस कंट्री को आप सिर्फ इस मेनलैंड से नहीं देख सकते, आपको ट्रांस हिमालय से लेके पूरा ये मेनलैंड, फिर जावा, सुमात्रा, कालीमिंटन, कंबोडिया, ये पूरा ऐसा करते करते जापान तक, आपको कोरिया, जापान तक जाना पड़ेगा, चाइना उसी के भीतर है। आप सिल्क रूट का ट्रेवल को आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसा ट्रेवल करता है यूरोप तक, जो आपका चाइना से और हिंदुस्तान को छूता हुआ और कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम कुस्तुतूनिया बोलते हैं, वहां तक जाके पहुंचता है, और फिर ये कैसे हमारा जो ईस्ट है वो वेस्ट को एनरिच करता है, कैसे ग्रीक ग्रीक्स बनते हैं या रोमन रोमन्स बनते हैं। अगर आपका ये सिल्क रूट नहीं होता तो शायद इस दुनिया का इतिहास कुछ और होता, या ये दुनिया का इतिहास होता ही नहीं। तो इसलिए ट्रैवलिंग बहुत बड़ी चीज़ है, और हमारे जितने भी भक्ति सेंट्स थे सब ट्रैवलर्स थे, उन्होंने ट्रैवल किया। देश के पैमाने अलग थे, कन्नड़ देश, तमिल देश, लेकिन ट्रैवल लगातार जारी था। तो जैनिज्म में बुद्ध ने कितना ट्रैवल किया, भगवान महावीर ने बहुत ट्रैवल किया,
गुरु नानक ट्रेवल का एक बहुत बड़ा हमारे सामने, गुरु नानक का तो हम ट्रेवलॉग ही पढ़ के कमाल हो जाते हैं। आचार्य शंकर आप लीजिए, नागार्जुन लीजिए, कम्बू, कौंडिल्य, कपिल आप लीजिए, तो सब ट्रेवलर्स हैं और बैठे बैठे भी ट्रेवलर ट्रेवल करते हैं। हमारे जो जोधपुर में मेरी दादी हरजस गाया करती थी, तो सोल के ट्रेवल की बात करती थी, उस सोल को ट्रेवल करा के घुमा के फिरा के वापस भीतर ले आती। क्या बात, तो ये सब चीजें हैं सब। तो ये ट्रैवल करते करते मेरे को ऐसा लगा कि मैं अमित जी का धन्यवाद दूं कि उन्होंने, आप अगर घर पे बैठे हुए ये बात सुन रहे हैं तो उन्होंने ऐसा बिना किसी टिकट के आपको घुमाई, आपको ये याद दिला दिया कि पूरी पृथ्वी घूम रही है तो आप भी घूम रहे हो। इसमें घूमना शब्द जो है, बल्कि हर एक शब्द के अलग अलग रंग निकल जाते हैं, कहीं कोई किसी को घुमा देता है बातों में, ऐसा होता है उसका मतलब अलग होता है, लेकिन अमित जी की बातों के साथ जो हमारे घूम रहे हैं वो समृद्ध करने वाली बातें हैं। मैं फिर से इनको एक तो यहाँ लेकर आऊंगा जो इनकी पुस्तक है, और उसके पहले कुछ समय पूर्व ये कई तरह के आयोजन करते रहते हैं, कभी किसी की चित्रकला प्रदर्शनी है, कभी काव्य संबंधी, पर एक शिव संवाद नाम से आपने एक जो छोटी सी उसको वर्कशॉप कही या कोई ऐसा इनोवेटिव नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर एक प्राकृतिक रमणीय शिव तत्व से स्पंदित स्थान पर जोधपुर में आपने ये शिवरात्रि के समीप जो शिव समाज किया था, उसकी परिकल्पना और उसमें क्या अनुभूति आपको हुई, थोड़ा उसके बारे में जी। दरअसल ये जो शिव संवाद करके एक छोटा सा आयोजन था, एक प्रकल्प था, तो मन में ऐसे ही आया कि शिवरात्रि आ रही है तो कुछ सेलिब्रेट किया जाए, उस शिव के तत्व को सेलिब्रेट किया जाए। हम शिव को मानते हैं लेकिन उस तत्व को नहीं जानने की कोशिश करते, हम ईश्वर को मानते हैं लेकिन उस ईश्वर के जो तत्व की तत्व से बचते हैं, ये पता नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा। कृष्ण सबको प्यारा है लेकिन कृष्ण का जो तत्व है वो हमें नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं मेरे भीतर मन के अंदर एक जिज्ञासा थी कि उस तत्व की विवेचना की जाए। और जो शैविज्म या जो शिव के जो एलिमेंट है जो मैंने पाया, मैंने कोरियन के अंदर शिव को देखा, जर्मन मेरे मित्र हैं उसमें वो एक एलिमेंट है, डैनियल हमारे आते हैं ऑस्ट्रेलियन मित्र उसके अंदर वो एक शैव तत्व है, तो शिव को मैंने इस दुनिया में संचरण करते हुए पाया अनेक रूपों में, और वो आपकी मदद भी करते हैं और हूबहू वो वैसे ही होते हैं जैसे आपके इस धरती के ऊपर होते हैं, उनका सोचने का जो प्रोसेस, उनकी चीजें। तो ये समझ में आया कि साहब ये तो एक कॉस्मिक बिहेवियर है, ये कॉस्मोलॉजी का एक हिस्सा है, जहां जन्म भी है और जहां पे मृत्यु भी है। जो मैं एक रचना आपकी आपकी उपस्थिति में आपके अनुभव से पढ़ता हूं, ये देखो देखो कि कुछ देखना बाकी न रहे, ऐसा समझो कि जो निरंतर दोनों छोरों तक कई कई अर्थों सा वही का वही किसी मृत्यु रहस्य सा बारीक अपने आप से जाना जाने वाला सपनों भरा शाश्वत सत्य देखो जरा। अब इसको आप 5-7 बार पढ़ोगे ना तब पता लगेगा कि इसमें कितना रस तो पढ़ने से आ गया, फिर ये अंदर घूमती रहेगी तो ये कुछ गूंथता रहेगा जो मन, तो इसमें से कुछ और भी मिल जाएगा। मुझे लगता है ये एक ऐसे मंत्र होते हैं ना जिनको लेकर आप वहां तक की यात्रा कर ले तो जो शाश्वत शब्द का रस आपके लिए खुल जाए। तो मैं आपको बहुत सारा प्रणाम के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्या कविताएं लिखी आपने, हमेशा एक आलोक स्वच्छ सा उससे झरता रहेगा, ऐसी रचनाएं आपके। एक आप और सुनाए, ये कविता है इसी पुस्तक के जो टाइटल की कविता, शब्द कहे से अधिक। पहले हम पाने और फिर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं, पहले हम पाने और फिर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं, कितना अंतर होता पाने और छोड़ने में, निसंशय हमारे शब्द कहे से अधिक। तो ये पाना और छोड़ना यही जीवन है। अशोक जी ने जैसा कहा अभी आपने कि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद है हमारी परंपरा को, धन्यवाद है इस धरती को, इस देश को, इसकी स्मृतियों को, धन्यवाद है हमारे उपनिषदों को, धन्यवाद है हमारा जो इस लैंड का जो थॉट प्रोसेस है उसको, तो ये धन्यवाद है हमारे एस्थेटिक्स को, धन्यवाद है हमारी कलाओं को, धन्यवाद है हमारे डिटैचमेंट को,
हम बात कर रहे थे कि लोग जीने के लिए यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लेकिन लोग मरने के लिए भारत आते हैं। और ये मरना वो मरना नहीं है साहब, ये फिजिकल डेथ नहीं है, ये गोरख वाला डेथ है कि मरो रे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरणी मरो जिस मरणी मरिया गोरख डीठा। तो ये मरने में जो आपका इटर्निटी, दैट इज अ ब्लिसफुल मोमेंट, तो उसको हम कहीं ना कहीं उस शिव तत्व में या इन कविताओं में जीने की कोशिश करते हैं और बड़ा आनंद आता है, वो बहुत आनंद आता है। और ये कलाएं और ये संगति, ये फिजाएं, ये आपको मतलब और रिच करती है। आप देखिए कि नटराज की जब प्रतिमा देखते हैं तो उसके चारों तरफ एक सर्किल है, एक सर्किल है, और ये जो सर्किल है ये ही ये नो बिगनिंग एंड नो एंड है। और जीवन को अगर हम बहुत सूक्ष्म तरीके से देखें, उसको कंटेम्पलेट करें, अभी तक के जिए को भी अगर हम कंटेम्पलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि ये फिर फिर के आपके सामने आता है कई रूप में, कई रिश्तों के रूप में, कई एपिसोड्स के रूप में, कई कई घटनाओं के रूप में ये आपके सामने आता है। और आपको लगता है कि ये मैंने जिया था। हमारे यहाँ पे कहानियां हैं साहब ऐसी, नग्नजीत या जिसको भयजीत कहते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में ऐसी एक कहानी आती है। तो ये फिर से अशोक जी वो टाइम एंड स्पेस के साथ में कुछ छेड़खानी करने जैसी बात हो जाएगी। और ये टाइम फिजिकल टाइम नहीं है, ये टाइम वो टाइम नहीं है जो 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 लीनियर है, ये टाइम है सर्कुलर। हमारा टाइम सर्कुलर है, हमारे टाइम को हम काल कहते हैं। तो ये कहीं फिर से उस काल या हम काल का जो असल डोमेन जिसके पास है वो महाकाल है, तो उसकी पेरिफेरी में जाने की हम चेष्टा करेंगे, तो अभी नहीं करेंगे, अभी इतनी ही बात मुझे लगता है कि काफी है। और एक छोटी पोयम मैं आपसे शेयर करूंगा जो इसी मिजाज की है। कृष्ण और शुक्ल के मध्य, कृष्ण और शुक्ल के मध्य सुझाता श्रुत ज्ञान, कहां मन मछली गंतव्य, कहां अलबेला ऋतुफल। देखो देखो अर्घ चढ़ाते उन देवताओं को, देखो अर्घ चढ़ाते उन देवताओं को, भौमाश्विनी योग में तरने तारने को तैयार, दिशाएं शिलाओं पर सुस्ताती, वाह, दिशाएं शिलाओं पर सुस्ताती, देह मुक्त महाकाव्य से थकी, समुच्च का विधान दोहराती है। अभिमान मत करना तुम सिद्ध वस्तु, जमातों की जमात, नेत्रों में किरणों के पुंज भर, चढ़ते आकाश पर रहना, हजार हजार सागर की आयु वाले, तुम ही इंद्र, अग्नि, आकाश, काल, यम, हुत, अथर्व, दत्त रूप, गर्जो गर्जो रुद्र बन तुम, कृष्ण और शुक्ल के मध्य सुझाता जहां कोई एक और श्रुत ज्ञान। क्या तो तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो तो मौन में भी चलती रहती है। तालियों गड़गड़ाहट से आशय यह है कि जो प्रफुल्लित भाव है जो हमारे भीतर तब विशेष रूप से झनकृत होता है जब कोई अनुभूति से ये कहता है कि लाइफ इज ब्लिस, तो हमारी इस बातचीत को मैं ब्लिसफुल कॉन्वर्जेशन का संबोधन या शीर्षक देकर हम जितना धन्यवाद आपको दे रहे हैं उससे पहुंचे आप तक अधिक। आपको भी मंगल कामना।